अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टाइल ब्यूटी फैशन चैनल। आज मैं आपको जो है वो एक रेसिपी बताऊंगी जो कि है ऑमलेट की। ऑफ कोर्स ऑमलेट तो सबको आता ही होगा बनाना, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं या जिनको नहीं आ रहा होता, और डिफरेंट टाइप्स के ऑमलेट्स होते हैं, चीज़ ऑमलेट भी होता है, मशरूम ऑमलेट भी होता है, फ्रेंच ऑमलेट भी होता है, और वेजिटेबल ऑमलेट भी होता है, और मीट ऑमलेट भी होता है, हर तरीके के ऑमलेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं ऑमलेट बनाएंगे ना, वो एक सिंपल सा ऑमलेट होगा जिसमें हमने सबसे पहले हाफ अनियन ले लिए, ठीक है। हमने आधी प्याज काटी है यहाँ पे, सही आधी प्याज है, और दो तीन हरी मिर्चें हैं जिसे हमने बारीक काट लिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऑमलेट्स में जो हमारे पास प्याज चलती है ना, वो चॉप हुई भी होती है, स्क्वायर प्याज काटी जाती है, ठीक है। एक स्लाइसिस वाली प्याज ज़िंदा मिल जाती है, क्योंकि वो जो है सालन वगैरह में लगती है, ग्रेवी में लगती होती है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास ऐसी चौकी भी होती है, ऐसी चौकी भी प्याज होती है, हमने आधी प्याज काट के डाली है, सही हाफ ऑनियन है, और जो है ना ये हमारे पास दो तीन हरी मिर्ची हमने काट के डाली है, ठीक है। इसके बाद हम जो है कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें जब ये अपने काट लिया जो हमें डालना है, अब हम हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हमारे पास हरा धनिया नहीं था अवेलेबल, तो जो था हमने उससे बना लिया, ठीक है। अब जो है इसमें हम जो है वो दो अंडे डालेंगे, टू एग्स, हम टू एग्स का बना रहे हैं, तो दो अंडे डालेंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए हमने इसमें जो है वो दो अंडे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने दो अंडे डाल दिए, अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है, अच्छे से। इसमें क्या डाल देंगे, नमक, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, यानी लाल मिर्च, ठीक है। नमक और लाल मिर्च डालेंगे अब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं हाफ हाफ टी स्पून डालूंगी दोनों, ठीक है। हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये देखिए आप लोग, हम इसमें डालते हैं अपने मसाले, ये मैंने डाला, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डाला इसमें सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और अब हम हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है। सही, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे, ताकि प्याज और हरी मिर्चें अच्छे से मिक्स हो जाए, अनियन और ग्रीन चिलीज, ठीक है। ये रेडी हो गया, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया, ये मेरा पैन, और इस पैन में डाल दूंगी ऑयल, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल दिया पैन में, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने, ठीक है। अब हम इसमें अपना ऑमलेट डाल देंगे, ऑमलेट का मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ऑमलेट का मिक्सचर डाल दिया है पैन में, ठीक है। और हमारे यहाँ पे फ्लेम भी ऑन है, मीडियम फ्लेम है, और ये रहा हमारा, ठीक है। उसे हम नीचे से एक साइड से पहले अच्छे से कुक होने देंगे, पकने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। ये रेडी हो गया, एक साइड से रेडी है, हम इसे टर्न करेंगे। ये देखें, ये मैंने साइड चेंज कर दी ऑमलेट की, एक साइड पे जब मैंने पकाया कुक करा, फिर दूसरे साइड से मैं कुक कर रही हूँ उसे, और ये कुछ ऐसे फॉर्म में हो गया, देखा कितना अच्छे इस पे लेयर्स और कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी पकने देंगे अच्छे से, और फिर टर्न करके इसे निकाल लेंगे, और ये रेडी हो जाएगा, बहुत इजी रेसिपी है।
ओके गाइस, देखें रेडी है, बिल्कुल रेडी है हमारा ऑमलेट। ये देखें, ये देखें, और से भी देखें, दूर से भी देखें, हर तरीके से देखें, हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। ये दो अंडों का है, इसमें सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें ही गई हैं। और ये देखें सिर्फ 5 to max 10 minutes में रेडी हो जाएगा ये हमारा ऑमलेट। और ये रेडी हो गया, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट भी बहुत अच्छे से, इसमें नमक और लाल मिर्च हमने डाली और कुछ नहीं डाला, ये ऑमलेट रेडी है, ठीक है। तो बस ये रेसिपी दी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई वीडियोस बनाऊं और आपको बताऊं, ठीक है। ये पीछे से देखिए कैसे है, जैसे ऐसा ही, ठीक है। ये ऑमलेट बहुत फेमस ऑमलेट है यहाँ का, ठीक है। और ये सबसे इजी रेसिपी होती है ऑमलेट की, बेसिक ऑमलेट था ये। हम नई वीडियोस के साथ आएंगे, जब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से भी जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।